फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो आप में से कई सारे लोग लगातार पूछते हैं कि ऐसा है, मान लीजिए हम लोगों ने एक सेल करी है 10 लाख रुपए की, और सेल करने के बाद जो हमारा टैक्स इनवॉइस है, जो हमने ई वे बिल जनरेट किया है, ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है, क्या वो हमें गाड़ी के साथ भेजना मैंडेटरी है, या फिर टैक्स इनवॉइस ही कह लीजिए, क्या हमें ये गाड़ी के साथ भेजना जरूरी है? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर रामू ने टैक्स इनवॉइस जो है वो एज पर प्रोविजन बना दिया है, और जब वो माल श्यामू को भेज रहा है, मान लीजिए माल भेजा जा रहा है 1 अप्रैल 2024 को, और माल पहुंच जाता है इस श्यामू के पास 10 अप्रैल 2024 को, तो बिल जो है वो 10 अप्रैल 2024 को दे दिया जाए श्यामू को, क्या गाड़ी के साथ ई वे बिल और जो हमारा टैक्स इनवॉइस है दोनों का कॉपी जो है लगाना मैंडेटरी है क्या? अगर नहीं भी लगाएंगे तो क्या दिक्कत है? अगर गाड़ी पकड़ी भी जाएगी तो क्या दिक्कत है? हमने टैक्स इनवॉइस तो बना ही रखा है ना, तो हमें इसके अंदर क्या बातें ध्यान में रखनी है, ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसका नाम है रूल 138 कैपिटल A, जिसमें ये सारी बातें आपको बताई गई हैं जो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी रहती है। जो हमारा ये रूल 138 का कैपिटल ए है वो ये कहता है कि जो आपका पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस है, पर्सन इन चार्ज कौन होता है? मान लीजिए रामू एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ये एक सेलर है, इसने 10 लाख रुपए के गुड्स जो हैं वो सेल करे हैं इसे श्यामू को, और ये गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाना है, वो ट्रांसपोर्ट होना है इस ट्रक के अंदर, और इस ट्रक में होगा एक ड्राइवर। तो रूल 138 कैपिटल A ये कहता है कि पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस, पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस का मतलब जो कन्वेयंस का जो इंचार्ज है, यानी कि जब ट्रक चला रहा है ड्राइवर, तो वही पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस जो है वो हो जाता है। और पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस को क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं? इसके लिए हमारे पास ये जो रूल 138 कैपिटल A है ये कहता है कि पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस को कैरी करना है टैक्स इनवॉइस, कैरी करना है बिल ऑफ सप्लाई, कैरी करना है डिलीवरी चालान एज द केस में, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान, तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट उसके पास होना चाहिए रिलेटेड टू द गुड्स जिसको वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और इसके साथ साथ इसके पास होना चाहिए ई वे बिल। ये दो कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होना मैंडेटरी है। अगर नहीं होगा और इस बीच रास्ते में गाड़ी पकड़ी गई, ऑफिसर ने पकड़ ली, तो यहां पर रूल 138 B में आपके पास वेरिफिकेशन के प्रोविजंस का सामना जो है वो करना पड़ेगा आपको। इसके अंदर पेनल्टीज वगैरह की जो है वो तैयारी फिर कर लेंगे। तो आपको टैक्स इनवॉइस, आपको बिल ऑफ सप्लाई या आपको डिलीवरी चालान, इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करना ही मैंडेटरी है, और सिर्फ करना ही नहीं, पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेयंस को देना भी मैंडेटरी है, ताकि वो ड्यूरिंग द मूवमेंट उसे अपने साथ रखे। अब सवाल आता है कि सर, टैक्स इनवॉइस भी आपने बोल दिया, आपने बिल ऑफ सप्लाई भी बोल दिया, आपने डिलीवरी चालान भी बोल दिया, क्या तीनों देना है या एक देना है? तो इसमें आपको ये देखना होगा कि आपका ट्रांजैक्शन क्या है। मान लीजिए जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो आप आइटम भेज रहे हैं, वो आइटम है आपका टैक्सेबल आइटम, तो आपको टैक्स इनवॉइस देना होगा। बेचा आपने टैक्सेबल आइटम जिस पे टैक्स लगेगा, तो टैक्स इनवॉइस और ई वे बिल का कॉम्बिनेशन। अगर आपने दिया है एग्जेम्प्टेड आइटम, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने बेचा है मान लो एग्जेम्प्टेड टैक्स फ्री का आइटम, तो आपको बिल ऑफ सप्लाई देना है, तो आपको क्या देना है? तो आपको देना है बिल ऑफ सप्लाई प्लस ई वे बिल। सर, एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, बिल ऑफ सप्लाई तो समझ में आ गई बात, इसके साथ ई वे बिल, लेकिन एग्जेम्प्टेड आइटम के साथ तो ई वे बिल नहीं लगता है। बिल्कुल ठीक है, नहीं लगता है, लेकिन कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो एग्जेम्प्टेड होते हुए भी ई वे बिल के दायरे में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डी ऑयल्ड केक्स। अगर डी ऑयल्ड केक का आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, है वो आइटम एग्जेम्प्टेड? बनेगा बिल ऑफ सप्लाई,
लेकिन ई वे बिल उसके लिए एग्जम्प्टेड नहीं है। अगर आपने रूल 138 सब रूल 14 को ध्यान से पढ़ा हो तो इसमें ये एक्सक्लूजन है। तो कहने का मतलब है कि बिल ऑफ सप्लाई के साथ भी ई वे बिल का कॉम्बिनेशन आएगा, और ये जितने रूल्स हैं सारे के सारे रूल्स अलॉन्ग विथ कंप्लीट एनालिसिस आपको हमारा जीएसटी का फुल कोर्स जो चल रहा है उसमें ऑलरेडी बताया जा रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक इन कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पिन कमेंट मैसेज में भी दिया गया है, उसमें भी आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और सर यहाँ पर हम लोगों को टैक्स इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई तो समझ में आ गया, डिलीवरी चालान पे भी ई वे बिल बनेगा। हाँ जी, डिलीवरी चालान पे भी ई वे बिल बनेगा। डिलीवरी चालान कब बनता है? मान लीजिए आप कोई गुड्स भेज रहे हैं, बेच नहीं रहे, आपने गुड्स जो है भेजा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जॉब वर्क, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सामान या कोई इक्विपमेंट रेंट पे दिया है, लेकिन रेंट पे देने के लिए आपको वो सामान भेजना तो पड़ेगा ना, गुड्स को मूव तो कराना पड़ेगा ना, तो इसके लिए आपको देना पड़ता है डिलीवरी चालान अंडर रूल 55। और रूल 138 में कहा गया है कि अगर आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स है, भले ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या नहीं, आपको ई वे बिल बना करके देना मैंडेट। तो रूल 138 कैपिटल ए आपसे ये कहता है टैक्स इनवॉइस हो, बिल ऑफ सप्लाई हो, डिलीवरी चालान हो, जो एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट है वो बनाना है, पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस को देना है अलॉन्ग विथ ई वे बिल। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो 138B में इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन जो है वो किया जाएगा, तत्पश्चात आपके ऊपर 129, 130 के पेनल प्रोविजंस, कॉन्फिस्केशन के प्रोविजंस, जो घातक प्रोविजंस हैं वो भी लगाए जा सकते। चलिए इस वीडियो के ही एंड करते हैं, आशा करते हैं आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी कि ड्यूरिंग द मूवमेंट ही आपको पेपर देना क्यों जरूरी है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, एनालिसिस एंड प्रोविजंस के साथ किस तरीके से आपको अपडेटेड रहे। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी करा सकते हैं। थैंक यू।